मैं आपको बताऊंगी कि हाफ स्वेटर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। ये मैंने 6 महीने से 1 साल के बच्चे का ये स्वेटर बनाया है। इसमें मैंने नीचे की तरफ जो है इसमें 65 फंदे डाले हैं, 60 या 65 आप डाल सकते हैं। फिर मैंने ये डबल कलर से बॉर्डर बनाया है, ये हमारा डबल पट्टी बॉर्डर है इस तरह से। यहाँ पर मैं जो हूँ, यहाँ मैंने नीचे की तरफ पहले हम प्लेन प्लेन जो है वो 10 सलाइयाँ बना लेंगे, फिर उसके बाद ये 4 सलाइयाँ जो हैं वो दूसरे कलर से बनाएंगे, फिर उसके बाद 6 सलाइयाँ हम ये रेड कलर से बनाएंगे, फिर ये हमारा जो है 10 सलाइयों का बॉर्डर बन जाएगा। डबल पट्टी है, 20 सलाइयाँ बनेंगी टोटल, डबल पट्टी है, डबल जब बनेगा तब ये 10 सलाइयों का ये बॉर्डर आपका रह जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे मैंने ये डॉट वाली डिजाइन डाली हुई है, ये डिजाइन मैं आपको पिछले वीडियो में किस तरह से डाली जाती है डॉट वाली डिजाइन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं किस तरह से डाली गई है। ये बॉर्डर फिर बनाने के बाद मैंने इसको डॉट वाली डिजाइन डाली है और ऊपर तक ये मैंने 7 से 8 इंच तक बना लिया है। फिर इसको बनाने के बाद फिर यहाँ से हम कंधों की घटाई स्टार्ट करेंगे। घटाई जो है मैंने स्टार्ट की है, इसमें हम पहले दोनों तरफ तीन तीन फंदे घटाएंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर घटाएंगे, फिर हम एक एक फंदा इधर घटाएंगे। इसमें आपको बी गला बनाना है या गोल गला बनाना है ये आपकी चॉइस के ऊपर है। इसमें जब आप बी गला बनाएंगे तो बी गला बनाने के लिए जब आप यहाँ पर कंधे घटाएंगे तब यहाँ पर जो है आप बी गला घटाना शुरू कर देंगे। बी गला किस तरह से बनाया जाता है ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ हमने शोल्डर की तरफ जो है आप 15 या 18 फंदे लेंगे, छोटे बच्चों में 15 या 18 फंदे शोल्डर की तरफ रखे जाते हैं। तो फिर जब आप ये यहाँ से जब कंधे घटाएंगे तीन, फिर यहाँ जो है आप इसको बी गला बनाने के लिए हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बी गला जो है तब तक घटाते रहेंगे जब आपके शोल्डर की तरफ जो है 15 या 18 फंदे जो भी आपको रखने हैं जितने भी फंदे वो ना रह जाएं। इसके बाद आपका ये बी गले का शेप बन गया है और ये जो कंधे हैं यहाँ पर मैंने जो 5.5 या 5 इंच तक आप इसको बनाएंगे। इसी तरह से आप पीछे भी सेम यही प्रोसेस करना है आपको। यहाँ नीचे की तरफ आपको बॉर्डर बनाना है जैसे आपने पिछले उसमें बनाया है पल्लू में, फिर इसके बाद 7 से 8 इंच तक यहाँ आप बना लेंगे, फिर यहाँ से आप कंधे घटाएंगे। कंधे आपको बताए थे कि 3 3 2 2 1 1 करके, और यहाँ पर भी हम इसको जितना आपने पहले पल्लू में बनाया है कंधे 5.5 या 5.5 तक वो आप बना लेंगे। इस तरह से ये आपका पल्लू आपका तैयार हो जाएगा। फिर हम इसके जो है कंधे का बॉर्डर बनाएंगे, गले का बॉर्डर बनाएंगे दोनों कंधे का। ये भी हमने डबल कलर में बनाया है, जिस तरह से आपने नीचे बनाया हुआ है उसी तरह से पहले आप 10 सलाइयाँ बनाएंगे जो भी आपको कलर यहाँ पर रखना है। फिर यहाँ पर आपको बीच में जितनी भी पट्टी डालनी है जितनी भी चौड़ी उस हिसाब से आप दो बार सिलाई बना लेंगे, या 4 पर रखना है जिस तरह से यहाँ रखा है तो आप 4 बार यहाँ दूसरा कलर लगाएंगे, फिर उसके बाद ये आपने यहाँ कलर रखा है यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह से आपका ये बी गला भी बनेगा। बी गले का बॉर्डर आपको बताया था कि पहले आप 3 बार फंदे बढ़ाएंगे, सॉरी 3 बार फंदे घटाएंगे और फिर 3 बार फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से ये आपका बी गले का बॉर्डर बन जाएगा। ये आपका पूरा मेजरमेंट हो गया है किस तरह से ये छोटे बच्चे का हम स्वेटर बनाते हैं।